हैं लोग माँ को, क्या आप किसी भी जगह पर जाते खान इंसान बनना चाहते हैं और परिवार वालों और दोस्तों को चौंकाना चाहते हैं? इसके तो बहुत सारे तरीके हैं, पर इनमें सबसे बढ़िया तरीका है एक मैजिक ट्रिक है। अब भूल जाइए इन पुराने मैजिक ट्रिक को, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में कुछ आपको नया जादू ट्रिक दिखाऊंगा और उनके राज भी बताऊंगा, और जिसको देखने के बाद आप भी कहोगे आबरा कडाबरा। स्पून बेंडिंग ट्रिक। दोस्तों इस ट्रिक में मैजिशियन एक स्पून यानी स्टील की चम्मच को अपने हाथ में लेता है और उसे पूरी गहरी नजरों से देखता है। उसकी नजरों से स्टील का चम्मच ऐसे बंद हो जाता है कि मानो पिघल गया हो। इस ट्रिक को देखने वाले को ऐसा लगता है कि जादूगर ने अपने दिमाग के पावर से स्टील की चम्मच को बंद कर दिया है, और जादूगर का भी कुछ यही कहना है कि उसने यह अपने दिमाग की पावर से किया है। लेकिन दोस्तों इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही है, जिसे देखने का आपका भ्रम हट जाएगा कि जादूगर की मेमोरी पावर बहुत कमाल की है। दरअसल इस ट्रिक को करने वाले जादूगर पहले से ही अपने हाथ में एक बंद चम्मच रखता है और उसके साथ दूसरी चम्मच का पीछे का कटा हुआ पार्ट अपने हाथ में कुछ ऐसे तरह छुपा लेता है कि बंद चम्मच का पिछला पार्ट लोगों से छुपा हुआ होता है और दूसरी चम्मच बंद चम्मच के पीछे के साथ कुछ ऐसे तरह जुड़ा हुआ होता है कि वो देखने वालों को ऐसा लगता है कि वो एक सिंगल स्टेट चम्मच है। स्टेज पर जादूगर उस चम्मच को गहरी नजरों से देखता है और थोड़ी देर बाद दूसरी चम्मच के पिछले हिस्से को अपने हाथ होशियारी से अपने जैकेट के अंदर छुपा लेता है और उस बंद चम्मच को लोगों को सामने दिखा के विश्वास दिला देता है कि उसने चम्मच को अपने दिमाग की पावर से मोड़ दिया है। लेविटेशन। दोस्तों आपने ऐसे बहुत से जादूगरों को टीवी पर जरूर देखा होगा जो साधना की पोजीशन में बैठकर हवा में उड़ते नजर आते हैं। तो क्या आपको पता है कि वो ये अजीब गरीब कारनामा कर कैसे लेते हैं? असल में ये हवा में नहीं पर एक स्टील के फ्रेम के ऊपर बैठे होते हैं जो कि उनके कपड़ों के अंदर छुपा होता, और ये स्टील का फ्रेम उनकी इस छड़ी को जुड़ा होता है जो उनके हाथ में पकड़े होते हैं। इस ट्रिक को करने के लिए उनको सिर्फ ज्यादा कपड़े पहनने पड़ते हैं जिससे कि ये स्टील का फ्रेम उनके कपड़ों के अंदर छिपा रहे। It's drop. ये एक ऐसी ट्रिक है जिसे देखकर कोई भी हैरत में पड़ जाएगा। जादूगर का नीचे गिरता हुआ सिर दर्शकों को भौचक्का कर देता है और सभी सोचते हैं कि शायद जादूगर के शरीर में कुछ अलग खासियत है, जबकि हकीकत में खासियत जादूगर के शरीर में नहीं बल्कि जादूगर के द्वारा पहने हुए कपड़े में है। इस ट्रिक को करने के लिए आपको एक बड़ा सा कोट या जैकेट लेना होगा जिसके अंदर आपको एक कस्टम मेड फ्रेम डालना है। अगर आप चाहें तो ये फ्रेम एक हैंगर की मदद से खुद घड़ी में बना सकते हैं। इसके बाद आपको एक हाथ से ये फ्रेम पकड़ना है और अपनी गर्दन नीचे करनी है। कोट के अंदर लगा यह फ्रेम आपके कंधों को उठा के रखेगा और देखने वाले को लगेगा कि जैसे आपकी गर्दन नीचे गिर गई है। टॉर्नमैन। दोस्तों जरा इस तस्वीर को देखिए, इसे देखने के बाद लोग डर के भागने लगते हैं। जब वो देखते हैं कि एक आदमी अपने आधे शरीर को अपने हाथ में पकड़ कर चल रहा है, और ये देखने में बिल्कुल असली लगता है। लेकिन इस ट्रिक का कोई बड़ा सीक्रेट नहीं है, और ये ट्रिक तभी काम करती है जब आप इसे सामने से देखें, और जब आप इसे कोई और तरफ से देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि जो ये पैर अपने हाथ में पकड़ा है वो एक डमी है, और उसने असली पैर डमी के पीछे छिपा के रखा है, और इसकी जो शर्ट ये पहन कर रखा है वो भी नकली है। पहले ये अपने आप को वर्टिकली किसी मशीन की मदद से झुका लेता है और फिर इन डमी को अपने आगे लगा लेता है, और इसी से इसकी ये ट्रिक सक्सेसफुल हो जाती है और आपको ये उल्लू बना लेता है। दोस्तों आपने हैरी पॉटर मूवी में लोगों को एक दीवार के अंदर घुसते हुए तो देखा ही होगा, पर हमारे जादूगर असल में भी जादू को कर सकते हैं। क्यों यकीन नहीं होता, खुद ही देख लीजिए। सबसे पहले ये जादूगर ऑडियंस में से एक लड़की को यह देखने के लिए बुलाता है कि दीवार असली है या नकली। जब सबको यकीन हो जाता है कि दीवार असली है तब जादूगर दीवार की एक साइड से अंदर घुस जाता है और हमें उसकी परछाई अंदर जाते हुए नजर भी आती है, और उसके बाद वो दूसरी साइड से निकल भी जाता है। पर ऐसा वो कर कैसे पाता है? असल में जब जादूगर की असिस्टेंट उसको इस फ्रेम में कवर कर देती है तब चतुराई से वो दूसरी तरफ से बाहर निकल आता है और छिप जाता है। बाद में वो जादूगर इस फ्रेम के साथ दूसरी साइड पहुंचाया जाता है और वो ऐसा दिखाता है कि वो बाहर निकल आया। और आपको ये जादू कैसा लगा?
Attention, do not repeat this trick without special training. It can be dangerous. If you're easily shocked, then please look away from the screen. इस मैजिक ट्रिक में मजीदियन एक चाकू लेता है जो कि बेहद धारदार है और फिर कुछ ऐसा करता है जी हाँ जादूगर इस चाकू को अपने हाथ के अंदर तक पहुंचा देता है लेकिन इस दौरान खून की एक बूंद निकलती भी दिखाई नहीं पड़ती है और तो चाकू वापस निकालने के बाद जादूगर के हाथ पर एक खरोच भी नहीं दिखती मुझे नहीं लगता इसके पास डेडपूल जैसा हीलिंग फैक्टर होगा Can't regenerate that quickly. तो फिर उसने ऐसा किया कैसे मजीसियन का हाथ दिखने में असली लग रहा है मतलब कि यकीनन इस ट्रिक का सीक्रेट चाकू में छुपा है ये चाकू तो बेहद तेज है लेकिन इसके अंदर से निकलने वाला हिस्सा बिल्कुल भी धारदार नहीं है तो अब आप समझ ही गए होंगे कि जादूगर ने यहाँ क्या किया तो स्वॉर्ड स्वॉल्विंग ये मैजिक ट्रिक सबसे खतरनाक मैजिक ट्रिक में से एक क्योंकि इस ट्रिक को करने के लिए दौरान जादूगर हमेशा जान का खतरा बना रहता है इस ट्रिक में जादूगर एक तलवार को अपने मुंह के अंदर डाल लेता है ये मैजिक ट्रिक लोगों को सबसे खतरनाक ट्रिक भी लगती है लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मैजिक ट्रिक को कैसे करते हैं नहीं चलिए मैं आपको बताता हूँ दरअसल जादूगर के हाथ में तलवार होती है वो एक तेज तलवार है जादूगर के एक बटन दबाते ही ब्लेड उसके अंदर चला जाता है और लोगों को लगता है कि जादूगर ने इस तलवार को पूरा निगल लिया है तब आप समझ ही गए होंगे कि जादूगर इस ट्रिक को कैसे करता है